दोस्तों, हमने लीजन 7i लेनोवो से एक गेमिंग लैपटॉप है उसका रिव्यू किया था कुछ ही महीने पहले, लेकिन वो 1.5-2 लाख का लैपटॉप था और आपने कहा था थोड़ा सस्ता वाला दिखाओ यार। तो लेनोवो लीजन 5 का आज एक क्विक रिव्यू करने वाले हैं हम, एंड दिस गोना बी अंडर द 686 सीरीज। तो 6 पॉइंट्स आपको बताएंगे इस लैपटॉप के बारे में विच विल हेल्प यू मेक दैट डिसीजन वेदर यू शुड बाय इट और नॉट। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए। फर्स्ट पॉइंट है इसके लुक्स, बिल्ड क्वालिटी और पोर्ट्स के रिगार्डिंग। तो जो लुक्स है वो काफी अच्छा लगा है हमें, सटल एंड सोबर लुक्स है, ऐसे पूरा गेमर वाला वाइब नहीं है। गेमिंग लैपटॉप्स में आपने देखा होगा कि बहुत सारे रंग बिरंगे चमकीले लाइट्स दिए होते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। एक प्लेन व्हाइट कलर का बैकलाइट मिलता है विच वी प्रिफर, एंड इवन द बिल्ड क्वालिटी इज वेरी गुड। प्लास्टिक का कंस्ट्रक्शन है लेकिन हाथों में बहुत ही अच्छा फील होता है। इवन द पोर्ट सेलेक्शन इज एक्सेलेंट, आपको जो भी पोर्ट चाहिए इस लैपटॉप में मिल जाता है एक्सेप्ट फॉर एन एसडी कार्ड रीडर होता तो और भी बेटर हो जाता। दूसरा पॉइंट है इसके वेट को लेकर, 2.5 किलो का लैपटॉप है एंड आई वुड से इट इज क्वाइट बल्की एंड हैवी। अगर आप इसे बैकपैक में लेके घूमोगे रेगुलरली तो आपके पीठ में दर्द जरूर होगा। यूजुअली ऐसे पावरफुल लैपटॉप्स जो होते हैं विथ गुड स्पेसिफिकेशंस एंड जो भी गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं वो यूजुअली काफी भारी होते हैं, तो ये भी भारी है। जस्ट मेक श्योर दैट यू नो व्हाट यू गेटिंग योरसेल्फ इनटू, ये लाइट वेट लैपटॉप बिल्कुल नहीं है। तीसरा पॉइंट है इसके डिस्प्ले को लेकर, तो बहुत ही अच्छा फुल एचडी मैट फिनिश वाला डिस्प्ले हमें मिल जाता है यहाँ पे विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। तो अगर आप गेमिंग करते हैं तो हाई रिफ्रेश रेट पे आप अच्छे से गेमिंग कर पाएंगे, अगर मूवीज भी देखते हैं तो भी जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा मिल जाता है इस डिस्प्ले पे। फोर्थ पॉइंट है इसके कीबोर्ड और ट्रैक पैड को लेकर, यहाँ पे हमें दोनों कीबोर्ड और ट्रैक पैड काफी अच्छे लगे हैं। जो ट्रैक पैड है वो बहुत ही स्मूथ फील होता है जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर जेस्टर्स कर रहे हैं, एंड इवन द कीबोर्ड हैज वेरी गुड की ट्रैवल, फुल साइज्ड एरो कीज हमें यहाँ पे मिल जाता है, एंड बिकॉज इट इज बैकलिट आप रात में भी आराम से काम कर पाएंगे। द कीबोर्ड एंड द ट्रैक पैड गेट्स अ ह्यूज थम्स अप फ्रॉम अस। फिफ्थ पॉइंट है इसके परफॉर्मेंस को लेकर, राइजन 5 4600H का सीपीयू हमें यहाँ पे मिलता है विद द एनवीडिया GTX 1650 Ti GPU, एंड ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इस मशीन का वो हमें बहुत ही इंप्रेसिव लगा है फॉर द प्राइस। आपको जो सीपीयू परफॉर्मेंस मिलता है वो भी बहुत ही अच्छा है, एंड इवन द जीपीयू परफॉर्मेंस विल लेट यू प्ले क्वाइट अ फ्यू गेम्स। अगर आपको बहुत ही हाई फ्रेम रेट्स पे खेलना है तो मॉडर्न AAA टाइटल्स आप नहीं खेल पाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द गेम्स कैन बी हैंडल्ड वेरी वेल विद दिस सीपीयू एंड जीपीयू कॉम्बो। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है ये वाला लैपटॉप, क्योंकि हमने प्रीमियर प्रो में जब एडिट किया है कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स हमें नहीं नजर आए, एंड रेंडर टाइम्स भी है वो भी काफी अच्छे खासे यहाँ पे मिल जाते हैं। सिक्स पॉइंट पे आते हैं which is according to us the major con that is present on this laptop, और वो है battery life। तो battery बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इस laptop पे, हर एक gaming laptop की तरह इसमें भी जो battery है वो शायद 2 घंटे में मर जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि standby पे रखे हुए भी ये आराम से 3-4% ऐसे ही drain कर देता है 10-15 मिनट में। So battery life is surely not that good। अगर आप एक portable laptop चाहते हैं जो आप आराम से कहीं भी carry करके आप work कर सकते हैं तो ये वाला लैपटॉप आपके लिए नहीं है, एक तो भारी है और दूसरा बैटरी लाइफ भी इतना अच्छा नहीं है। तो ये थे 6 पॉइंट्स लेनोवो लीजन 5 के बारे में। और कुछ चीजों के बारे में बात करें तो स्पीकर जो है वो एवरेज हमें मिल जाता है, थर्मल्स इसके अच्छे है काफी हमें लगे हैं, एंड एज आई ऑलरेडी मेंशन अगर आपको एक पावरफुल लैपटॉप चाहिए इस प्राइस रेंज में जो आपके लिए गेमिंग का भी मदद करे और वीडियो एडिटिंग के लिए भी, देन आई वुड से द लीजन 5 इज अ वेरी गुड ऑप्शन। 75,000 रुपीज के आसपास इसका प्राइस स्टार्ट होता है, सेल्स में आप और कम कीमत में इसे ले सकते हैं, एंड वी वुड से फॉर दैट प्राइस इट इज वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स आउट देयर। हम जरूर इसे रेकमेंड करेंगे अगर आपको एक गेमिंग लैपटॉप लेना है तो, बट अगेन मेक श्योर आपको ये पता होना चाहिए कि ये पोर्टेबल बिल्कुल नहीं है और बैटरी लाइफ जो है वो इतना कुछ खास नहीं है इस लैपटॉप का। आपके कोई भी क्वेश्चंस है इस लैपटॉप के बारे में तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछ सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।